पूजा मेकअप लुक। आई होप आपको ये लुक मेरा पसंद आएगा। सो मैं ये लुक सारी लुक क्रिएट की हूँ, तो इस लुक को अपने सारी सूट किसी भी ड्रेस पे आप लुक क्रिएट कर सकते हो। सो जनरली लोग सरस्वती पूजा में ऑरेंज, येलो, ग्रीन इस टाइप की कलर की साड़ियाँ सूट पहनना पसंद करती हैं। सो मैं ये लुक ऑरेंज साड़ी पे क्रिएट की हूँ। सो इस लुक को आप अपने येलो, ऑरेंज किसी भी ड्रेस पे क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही इजी है एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट मैं यूज़ की हूँ। एंड ये लुक बिगिनर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो अगर आप देखना चाहते हो इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ कर वाइप्स के अलमंड स्किन ब्राइटनेस फेशियल ऑयल, एंड इसे मैं अप्लाई करके अच्छे से मसाज कर लूँगी। एंड ये गाइस ऑयल बहुत ही अच्छा है, जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सिटाफिल के मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट मैं प्राइमर के लिए यूज़ की हूँ NYBae की प्राइमर। एंड गाइस बहुत ही अफोर्डेबल ये प्राइमर है, एंड मैं जितनी भी प्रोडक्ट यूज़ की हूँ ना सारी अफोर्डेबल है। नेक्स्ट मैं आईब्रो को फिल कर रही हूँ ब्लू हेवन की ब्रो पेंसिल से, एंड इसमें आपको स्पूली भी देता है, तो स्पूली से पहले मैं अपने आईब्रो को कॉम की हूँ। देन मैं आईब्रो को फिल कर रही हूँ, एंड ये इसमें जो मेरी शेड है वो है ब्राउन। सो मैं जितनी भी प्रोडक्ट यूज़ की हूँ साड़ी की डिटेल एंड जो भी शेड वगैरह है, मैं साड़ी की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ की हूँ लैक्मे की 925 प्राइमर मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन। हाँ, बहुत लंबा नाम था। सो इसे मैं अब स्पैचुला की हेल्प से ही अपने पूरे फेस पे अप्लाई की हूँ, देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर ले रही हूँ। नेक्स्ट मैं कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ अगेन स्विस ब्यूटी की बहुत ही अफोर्डेबल लिक्विड कंसीलर, एंड ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। एंड इसे मैं अपने यूजर प्लेस पर अप्लाई कर रही हूँ, एंड इसी से मैं अपने आईलिड को भी कंसील करूँगी अपने एज ए आई प्राइमर, एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सबको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूंगी। नेक्स्ट मैं अपने कंसीलर एंड अपने पूरे फेस को सेट करने के लिए यूज़ की हूँ ब्लू हेवन की मेकअप ट्रांसलूसेंट पाउडर, एंड इसमें जो मेरी शेड है वो है नेचुरल, एंड ये गाइस बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही अफोर्डेबल ये लूज पाउडर है, सो बहुत अच्छे से आपके फेस को सेट करता है। नेक्स्ट मैं पैलेट यूज कर रही हूँ NK की निका के पैलेट, एंड इसमें से मैं येलो शेड लेके अपने ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रही हूँ, आप देख रहे हो। देन मैं यूज कर रही हूँ सेम पैलेट से ऑरेंज ब्राउन शेड, एंड इसे मैं अपने पूरे आईलिड पे अप्लाई करके देन अपने क्रीज एरिया को ब्लेंड कर रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो। बहुत ही इजी आई मेकअप मैं क्रिएट की हूँ, सो बहुत ही बिगनर भी बहुत आराम से लुक क्रिएट कर सकती हैं। नेक्स्ट मैं ये येलो एंड जो ब्राउन शेड मैं अपने आईलिड पे अप्लाई की थी उसे मैं सेम अपने लोअर लैश लाइन पे भी स्मच कर रही हूँ। देन सेम पैलेट से मैं ये गोल्डन शेड लेके इसे मैं अपने पूरे आईलिड पे अप्लाई करूंगी। देन मैं सेम पैलेट से ब्राउन शेड लेके इसे मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ एक डेप्थ देने के लिए। नेक्स्ट मैं आईलाइनर के लिए यूज़ की हूँ बहुत ही अफोर्डेबल ब्लू हेवन की लिक्विड आईलाइनर, एंड ये जस्ट आपको 55 रुपीज़ की, एंड मुझे और भी अच्छे प्राइस में मिल गया, डिस्काउंट में मिल गया था। सो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आईलाइनर, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ की हूँ। सो इसे मैं हल्का सा विंग क्रिएट कर रही हूँ।
नेक्स्ट काजल के लिए यूज की हूँ मेबलिन की कोलोसल काजल एंड इसे मैं अपने लोअर एंड अपर वाटर लाइन पे अप्लाई कर लूंगी। देन सेम ब्राउन शेड लेके अपने काजल को स्मच कर लूंगी एक स्मोकी इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट मैं मस्कारा के लिए यूज की हूँ मेबलिन की हाइपोकल मस्कारा एंड यहाँ पे मैं कोई भी फॉल्स लैसेस नहीं अप्लाई करूंगी तो अपने लैसेस को कर्ल कर रही हूँ। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा एंड मैं 2 से 3 कोट अप्लाई करूंगी। ये लुक आप डे एंड नाइट दोनों में क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं पैलेट यूज कर रही हूँ सिवाना कलर्स की अल्ट्रा ब्लश पैलेट एंड इसमें से मैं कंटूरिंग शेड लेके अपने फेस को कंटूर कर रही हूँ। मैं बहुत हल्का कंटूर करूंगी। देन मैं फिंगर की हेल्प से अपने नोज को कंट्रोल कर रही हूँ। देन ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी जिससे कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। देन मैं सेम पैलेट से ब्लश यूज कर रही हूँ एंड अपने चिक पे। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट से हाइलाइटर यूज कर रही हूँ एंड इसे भी मैं अपने यूजर प्लेस पे अप्लाई करूंगी अपने हायर पॉइंट्स पे। देन सेम हाइलाइटर से अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर रही हूँ अपने फिंगर की हेल्प से। देन लिपस्टिक के लिए यूज की हूँ पर्पल की लिप क्रियॉन मैट लिप क्रियॉन एंड शेड वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड बहुत ही प्यारा शेड है सो इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। देन सेटिंग स्प्रे के लिए यूज की हूँ मेकअप फिक्सर स्वीस ब्यूटी की। सो गाइज दिस इज द फाइनल लुक। आई होप आपको ये लुक मेरा पसंद आएगा। जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपके पास मैसेज जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा। एंड गाइस ये लुक आपको पसंद है, ये मेकअप आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।